पहली बार महिलाओं को हरियाणा रोडवेज में मुफ्त यात्रा देने की शुरुआत सन 2006 में कांग्रेस सरकार के सीएम श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने की थी और आज मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार में भी ये योजना अब तक कायम है। सबसे पहले तो हम हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी का धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इतनी अच्छी योजना की शुरुआत की। और इसके साथ ही हम आज के परिवहन मंत्री श्री मूलचंद शर्मा जी और मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी का भी धन्यवाद करना चाहेंगे जिन्होंने इस योजना को अब तक कायम रखा है। और अब की बार भी हरियाणा सरकार रक्षाबंधन पर महिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा सुविधा देगी। यह सुविधा 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से शुरू होगी और इस दौरान महिलाएं अपने साथ 15 वर्ष तक के बच्चों को भी मुफ्त यात्रा करा सकेंगी। हरियाणा के परिवहन मंत्री पंडित मूलचंद शर्मा जी ने बताया है कि मुख्यमंत्री ने रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को बसों में मुफ्त यात्रा करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। मुफ्त यात्रा की सुविधा 10 अगस्त को दोपहर 12 बजे से आरंभ होगी और 11 अगस्त को रक्षाबंधन के दिन मध्यरात्रि 12 बजे तक यह सुविधा रहेगी। यह योजना ऑर्डिनरी बसों में यानी कि साधारण बसों में दी जाएगी। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हरियाणा रोडवेज में रक्षाबंधन के त्यौहार पर पिछले कई सालों से महिलाओं और उनके साथ 15 साल तक के बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा दी जाती थी, लेकिन कोरोना के दौरान इसकी अनुमति नहीं दी गई थी। इस समय चूंकि कोरोना संक्रमण के मामलों में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है इसलिए यह सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है, या फिर यूँ कहें कि इस सुविधा को जारी रखने का निर्णय लिया गया है। महिलाओं के लिए ये काफ़ी अच्छी खबर है और मैं आप सभी से निवेदन करता हूं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें ताकि महिलाओं के साथ साथ उनके साथ जाने वाले बच्चों को मुफ्त यात्रा की सुविधा मिल सके और उन्हें पहले ही पता चल जाए कि हरियाणा रोडवेज की तरफ से रक्षाबंधन पर हरियाणा रोडवेज की बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा फिर से शुरू कर दी गई है। हरियाणा रोडवेज से जुड़े सभी अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इसी के साथ ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम।